भाई पहचाना? अरे नहीं पहचाना? अरे मैं अन्नु हूँ, अन्नु। अभी भी नहीं पहचाना? रुको रुको रुको, बाहर आता हूँ, रुक जा। हाँ भैया, भै बाबू पहचाने नहीं मुझे? हाँ, अरे यही तो 20 साल पहले मिले थे हम आपसे। अन्नू हूँ अन्नु, याद है क्या कहा था उस दिन? हाँ, कि नहीं हो पाएगा तुमसे, यही कहा था ना। कह रहे थे ना, ये बिल्डिंग देखो इतनी बड़ी बड़ी है, इसमें तुम घुस भी नहीं पाओगे। है यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। तुम कहाँ, छोटे शहर से आए हुए आदमी, तुम क्या कर पाओगे? यही बोला था ना भाई बाबू। बहुत डराया तुमने मुझे। हाँ याद है मुझे दिन। और क्या बोला था, और क्या बोला था? टाई नहीं पहन पाओगे। हाँ टाई नहीं बांध पाओगे, मेरे हाथ कांप रहे थे, तुम मुझे डरा रहे थे ना भाई बाबू। हाँ और फिर क्या बोला था तुमने, नौकरी भी नहीं लगेगी, यही परेशान हो जाओगे, वापस अपने गाँव चले जाओगे, यही कहा था ना 20 साल पहले तुमने। लेकिन तुम्हें पता है, जब तुम मुझे डरा रहे थे, मेरे साथ एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे हिम्मत दे रहे थे, जो मेरे को संभाल रहे थे, और जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, और जिसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वो जानते हैं कौन है? वो कोई और नहीं है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे क्या कहा था पता है, जब मैं निकल रहा था घर से, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जवानों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आज सुबह सुबह सूट पहन के गाड़ी में आ गया हूँ, कैमरा के सामने खड़ा हूँ, और आप सोच रहे होंगे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, और शायद एक इस किरदार के लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये मेरी हकीकत की ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। मैं भी इस शहर में, दिल्ली शहर में, करीब 20 साल पहले आया था, और ये जो डर की बात हम कर रहे हैं ना, ये मेरे अंदर था, ये सच्ची बात है, और ये जो है ये कोई किसी और का अनुभव नहीं है, मेरा ही अनुभव है। 20 साल पहले जब मैं आया तो मेरे पैर कांपते थे यहाँ पे, ये जो भय है ना मुझे छोड़ता नहीं था, बोल नहीं पाता था मैं ठीक से। अभी आप देख रहे टाइम है, इसको पहनना ही नहीं आता था मुझे, और जो है आगे ये भी डर लग रहा था कि नौकरी कैसे मिलेगी, और कैसे इस बड़े बड़े बिल्डिंग में घुसेंगे, और क्या होगा, जिंदगी कैसे होगी। लेकिन इन सब बातों से मेरे प्रभु ने जो है मुझे विजय दी, और उसका जो वादा है कि उसका जो हमारे भविष्य के लिए जो प्लान है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, और उसने उस चीज़ को मेरे जीवन में पूरा किया। तो मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। हो सकता है आज आप किसी बात से डर रहे हो, मुझे नहीं पता क्या बात है, लेकिन मैं अपने जीवन से आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए, क्योंकि जो आप में है, जो आपके अंदर इसने वास किया है, जो वो जो है वो बाहर जो ये जो भय बाबू हैं जो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, उससे और उसकी सारी ताकतों से बहुत बढ़कर है। और प्रभु यीशु मसीह में हम क्या हैं, जयवन से बढ़कर है, ऐसा वचन हमें सिखाता है। इसलिए ये मेरी जीवन की कहानी है। मैं यहाँ पे 20 साल पहले आया, मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, मैं डर रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे इन सारे डरों से निकाला, और आज प्रभु ने मुझे मजबूत किया है। और मेरी गाड़ी लगता है बहुत गंदी हो गई है, कुछ साफ आप करना पड़ा, मैं कई काम करता हूँ भय से, कहता हूँ भय तो भाई बाबू जरा ये मेरी गाड़ी जरा साफ कर देंगे। हाँ जी मैं आया अभी, आ रहा हूँ। हाँ जल्दी करो, टाइम नहीं मेरे पास, जाना है, बहुत मीटिंग है, बिजी हूँ मैं, बहुत मीटिंग है मेरी। हाँ सर जी, आ गया। अब जल्दी करो यार, मुझे जाना है यार, टाइम नहीं मेरे पास। चलो मैं जा रहा हूँ। कमाल है यार, ये अन्नो भी बदल गया, 20 साल में बदल गया वो, अब डरता ही नहीं है। क्या कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने इनको। कोई बात नहीं, और भी लोग है ना, उनको पकड़ता हूँ मैं, उनको डराता हूँ मैं। अच्छा